हम यहाँ पर आज उसूल काफ़ी की बात करते हैं, मोहम्मद यकूब शेख मोहम्मद यकूब कोलैनी, जिन्होंने उसूल काफ़ी को 20 साल की मुद्दत में लिखा। कहाँ मेहनतें, आज एक किताब मैं खोलूं मेरे लिए पढ़ना बहुत आसान है, मगर उस जमाने में जब एक हदीस को ढूंढने के लिए 6 माह का सफर किया जाता था, आज हम आराम से अपने घरों में कंप्यूटर पर बैठ के बहुत अच्छी रिसर्च करते हैं, मगर लाखों सलाम उन उलमा के जख्मी कदमों पर जो कभी नजफ से निकलकर कूफा आते थे और कभी कूफा से सफर करके कुम की वादियों में जाते थे। हमारा सलाम उन उलमा पर जिन्होंने, मैं समझती हूँ यहाँ पर मेरा फर्ज है, मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के उन तमाम उलमा को ट्रिब्यूट पेश करूँ, सलाम पेश करूँ, जिन्होंने अपनी गरीबुल वतनी की सऊबतों को सहकर हिंदुस्तान को छोड़ा, कभी नजफ में भूखे काटी, कभी पाकिस्तान से निकलकर ईरान और इराक की सरजमीन पर इल्म हासिल करने के लिए दरे नजफ पर बैठकर इल्म को सीखने के लिए और उन गौहरों को लेकर, उन रोशनियों को लेकर, उन मोतियों को लेकर अमल से वो हिंदुस्तान के देवबंद उलमा के मदारिस हो या फिर पाकिस्तान के कोई भी मदरसे, वहाँ पर जाकर ऐसे इल्मी झंडे गाड़े। और मेरा सलाम उन उलमा पर जिन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान में नहीं बल्कि वहाँ की फिजा से निकलकर साउथ अफ्रीका के जंगलों में जाकर ऐसे लोगों को जो इस्लाम और तौहीद से नावाकिफ थे, उन्होंने उनके दिलों तक नूर इस्लाम को असदन शरह अल्लाह सदरहु लिल इस्लाम फहुवा रब्बहु फहुवा नूरुम मिन रब्बहु। क्या ये बात थोड़ी है कि जिसका सीना खुदा खोल दे इस्लाम के लिए वो तो नूर है आप लोगों के अंदर। जिनके सीने अल्लाह ने इस्लाम की खातिर खोल दिए हैं वो तो आपके अंदर एक नूर का वजूद रखते हैं। वो नूर 500 साल पहले, 800 साल पहले या आज के दौर में, यहाँ सरजमीन लंदन पर भी हमें अपने उलमा की कदर करनी चाहिए। और हाँ, ये वही रेवोल्यूशन पावर्स थी जो जिन्होंने सुपर पावर्स को मजबूर कर दिया 1975 में कि आइए तमाम थिंक टैंक्स को बिठाइए और देखिए कि ये मर्जियत की बुनियादों को हम कैसे हिला सकते हैं। और फिर उन थिंक टैंक्स ने हाउ टू चेंज आइडियोलॉजी की वो किताबें लिखी कि इनकी आइडियोलॉजी को कैसे चेंज किया जाएगा। और पूरी 10 साल रिसर्च के बाद 1995 में ये रिसर्च इन्हीं सुपर पावर्स मगरबी लोगों के, जो हमारे नहीं हैं लेकिन हम उनमें रह रहे हैं, मैं ऐसे उलमा को सलाम पेश करती हूँ जो यहाँ रह रहे हैं और हमारे नज़रियात भी इन लोगों जैसे नहीं हैं, हमारी सोच भी सोसाइटी जैसी नहीं, कुछ भी, मगर यहाँ इसलिए है कि हम अपने दीन का अलम उठाएँ, हम अब तौहीद और उलूम मोहम्मद वाले मोहम्मद के उस नूर का प्रचार करें जिसकी हमारे वजूद को और हमारी आने वाली नस्लों को भी जरूरत है। हाँ, तो उन थिंक टैंक्स ने जब 1995 में ये प्रूफ दिया और कहा यू कैन चेंज द आइडियोलॉजी ऑफ दिस नेशन, कौन सी नेशन? शिया नेशन। एक ही नेशन है मुसलमानों की पूरे वर्ल्ड में, जिसके पीछे मर्जा है वही स्ट्रांग है, जिसके पीछे उलामा है वही स्ट्रांग है। हाँ, जिस नेशन के पीछे मर्जा जैसी कुव्वत, सलावत पढ़ लीजिए बाबा साहब, जब 90s में ये डिफाइन हो गया, थिंक टैक्स ने कहा कि पूरे मुसलमानों में एक ही कौम है जिसके पीछे मर्जा की ताकत है, उलमा की ताकत है, उस कौम को अगर, उन मुसलमानों को अगर तुम डिवाइड कर लो तो फिर मुसलमानों को कमजोर करना और इनकी बेसिक आइडियोलॉजी को खत्म करना बहुत आसान हो जाएगा। और हाँ, आप आज देख लीजिए, अपने ईमान से सोचकर बताइए, 10 साल पहले जो शिया भाई हमारे साथ थे, जैसा कि मेरे एक बरादर आलिम ने कहा कि पैसे देकर जो है किताबें लिखवाई जा रही हैं और हमारी यूथ के जहनों को मुज्तहिदीन के बारे में, उलमा के बारे में, आप उस किरदार को, जिस किरदार के लिए खुद इमाम वक्त हाथ उठाकर दुआ करें, जिस किरदार के लिए खुद मौला इमाम दुआ करें, जैसे एक और बिरादर आलिम ने ये फरमाया और मौजूद है तारीखों में कि इमाम सादिक अपने शागिर्दों के पास भेजते थे, क्यों? हाँ, मुझे ये बात यहाँ याद आ रही है कि जाबिर बिन हयान ने जब इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से कहा कि पूछा, इमाम सादिक उनसे कह रहे थे कि 19वीं सदी यानी जो आखिरी ज़माना आएगा, जैसा कि बहुत सारों ने कहा कि अभी हम नज़दीक हैं, खुदा करे हमारा अमल, हमारा इल्म, हमारे वजूद, आज जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा हमारी कौम को ज़रूरत है वो है खुलूस और सच्चाई, इल्म वालों की ढाल बन जाए, उन्हें सपोर्ट करें, उनको मेंटल स्ट्रेस ना दें, कौम का ये फ़र्ज़ है उलमा को सपोर्ट दें,
تاکہ وہ ان علماء کے کارنامے جن کو 20-20 سال لگے 6-6